पुनपुन के पटेल उत्सव हॉल में आयोजित मिलन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में निशा पटेल को पुनपुन मंडल महिला मोर्चा का अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पुष्प गुच्छ और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण पत्र के साथ निशा पटेल को बीजेपी पुनपुन मंडल महिला मोर्चा के पद पर नियुक्त किया। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि पुनपुन मंडल महिला मोर्चा की जिम्मेदारी निशा पटेल को दी गई है। निशा पटेल एक तेज तर्रार और जागरूक महिला हैं। उन्होंने हर समय यहां महिलाओं के लिए कई सारे कार्यक्रम किए एवं महिलाओं के किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि आज निशा पटेल के हाथ में बीजेपी पुनपुन मंडल महिला मोर्चा का दायित्व दिया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि निशा पटेल अपनी जिम्मेदारी को कर्मठ एवं निष्ठापूर्वक निभाएंगी। वहीं इस मौके पर नवनिर्वाचित बीजेपी पुनपुन मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष निशा पटेल ने कहा कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे बीजेपी की ओर से पुनपुन मंडल महिला मोर्चा का कमान सौंपा गया है। मैं मानती हूं कि मेरे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, पर मैं यह विश्वास दिलाती हूं कि आने वाले दिनों में बीजेपी पुनपुन मंडल महिला मोर्चा और भी जबरदस्त काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने मंडल में एक सक्रिय नेत्री निशा पटेल जी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है और मैं समझता हूँ कि इनके ये दायित्व मिलने पर काफ़ी सक्रिय होकर के ये काम करेंगी और अधिक से अधिक पार्टी को विस्तार करने में सहायक भूमिका अदा करेंगे और महिलाओं के बीच में एक पुनपुन ब्लॉक के अंतर्गत पुनपुन मंडल के अंतर्गत एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। थैंक यू सर, ज्वाइन किया। अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला सर के अनुसार हमको ये पोस्ट किया गया। मैं दिल से अब ये काम करना चाहूँगा। आप महिला हैं, महिला के प्रति क्या कुछ? महिला के प्रति जागरूक करना है, सभी महिला को जागरूक करना है। एक बड़ी जिम्मेदारी कंधे पे डाली है। हाँ, वो साथ निभाना है और साथ लेके सभी महिला को चलना है। थैंक यू।